ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये हम जो टॉपिक है एनसीईआरटी 11th से ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी 11th का टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये विटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो जितने जीव जगत थे उसको सबको पांच भागों में बांटा, ठीक है। तो ये फाइव किंगडम में बांटा थे, ठीक है। फर्स्ट किंगडम देखते हैं, साइंटिस्ट का नाम है विटेकर, ठीक है। उन्होंने पूरे जीव जगत को पांच किंगडम में बांटा, ओके। तो फर्स्ट किंगडम कौन सा है? मोनेरा। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। इसको हम सबसे पहले, मतलब जो किंगडम थे पांच, उन किंगडम को किस बेसिस पे देखते हैं? पहले कि सेल टाइप के आधार पर, फिर सेल वॉल कैसी है, मतलब डिफरेंस करें मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ठीक है। फिर उसके बाद में करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है पांचों किंगडम के अंदर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मोनेरा। तो मोनेरा मतलब मोस्टली इसमें बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह जितने बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। ओके, इसकी सेल टाइप, इसकी सेल टाइप होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल नहीं होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता रहता है, मतलब सेपरेट नहीं होता, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिक्स ही होता है सब, ठीक है। सेल वॉल, इसकी सेल वॉल होती है नॉन सेलुलर, मतलब सेलुलोज नहीं होता। तो सेल वॉल का क्यों नहीं होते हैं ये, मतलब इसमें और चीज़ें होती हैं जैसे बैक्टीरियम अलग है, अलग अलग तरीके, ठीक है। सेल वॉल डिफरेंट होती है, सेलुलोज नहीं होता, बस सेलुलोज जैसे ओनली प्लांट में पाया जाता है। तो इसमें मतलब जैसे मीरा के सीड, ठीक है, तो उसकी सेल वॉल बनी होती है। फिर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट होती है किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल मतलब एक सिंगल सेलुलर होती है मोस्टली, है ना, ये सिंगल सेलुलर होती है इसलिए सेलुलर बोलते हैं इसको। इससे मोडो म्यूट्रेशन होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक उसमें कीमोसिंथेटिक आ गया, फोटोसिंथेटिक आ गया, हेटरोट्रॉफिक आ गया। अभी हेटरोट्रॉफिक में जैसे दो तरह का, जैसे सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड डेड मटेरियल पर ग्रो होता है उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। और एक होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे होस्ट से जितने ऑर्गेनिज्म उस पर मतलब सर्वाइव करते हैं वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। उसको डिजीज कॉज करेंगे जिससे फिर ये वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये समझ गए इसके। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट डिफरेंस है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जनरली मतलब थोड़ा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एनिमल होते हैं मोस्टली। तो इसमें यूकेरियोटिक होते हैं ये, जैसे यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक मतलब डबल मेम्ब्रेन वाली सेल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल पाए जाते हैं डबल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर जैसे न्यूक्लियस पर डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब ये होता है इसमें। फिर इसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। इसमें अगर एनिमल है तो वहाँ सेल वॉल नहीं है, बट अगर प्लांट वाले केस में आ रहा है तो उसमें सेल वॉल होगा। तो कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती प्रोटिस्टा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी, ठीक है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक है। और बॉडी में सेलुलर, ये सेलुलर जैसे अमीबा वगैरह, तो ये सेलुलर ये प्रोटिस्टा में आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे यूग लेना है तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब उसमें कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं, अपने आप नहीं बनाते, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। फंजाई, तो फंजाई में फंजाई तो फंजाई की यूकेरियोटिक है, ठीक है। यूकेरियोटिक का मतलब उसमें न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल है वो होते हैं उसके अंदर। अब इसकी जो फंजाई की जो सेल होती है वो काइटिन की बनी होती है मोस्टली, काइटिन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल होता है उसके बनाते हैं, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है काइटिन, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो एक थोड़ा स्पेशल टाइप का कार्बन होता है, जैसे कुछ इंसेक्ट में भी ये काइटिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रजेंट, इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रजेंट होगी क्योंकि ये यूकेरियोटिक है, यहाँ से याद करें। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मल्टी सेलुलर होती है, एक सेल से ऊपर, मल्टी सेलुलर मतलब काफ़ी सारे सेल्स की बनी होती है,
और इसमें जो टिश्यू होता है वो लूज टिश्यू होता है, मतलब जैसे सेल से टिश्यू लेयर पे आता है बट उससे आगे नहीं जाते हैं, यानी ऑर्गन वगैरह नहीं आते इसमें। जैसे इनका जनरल नेचर हेट्रोट्रोफिक होती है हमेशा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये पौधा नहीं बनाता। तो ये दो चीज़ होती है, या तो सेप्रोफाइटिक होंगी या पैरासाइटिक होंगे। सेप्रोफाइटिक का मतलब पता कि दे कैन ग्रो ऑन डेड मटेरियल, ओके। पैरासाइटिक का मतलब हुआ कि दूसरे होस्ट से पौधा प्राप्त करते हैं, तो ये मतलब पैरासाइटिक मतलब जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड, सेप्रोफाइटिक से फंजाई जैसे एग्जाम्पल, सेप्रोफाइटिक जैसे मतलब जो कॉमन एग्जाम्पल मशरूम है, जो कुंभी है उसको कुंभी बोलते हैं हिंदी में, तो वो क्या है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। क्योंकि वो जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है वहीं ग्रो करती है, वो बारिश के मौसम में, ठीक है। जो ये मशरूम जो एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स मार्केट हमारी, ये इसको आर्टिफिशियल ग्रो किया जाता है, नेचुरली जो ग्रो करती है वैसे करती है, ठीक है। पैरासाइटिक मतलब जैसे जितने भी जैसे दाद जो होती है वो जनरली टेंट होता है, मोस्टली वो फंगस से होता है, तो वो एक पैरासाइटिक कंडीशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्लांटिक, प्लांटिक ये प्लांट्स, इसमें सारे प्लांट्स होते हैं, फंजाई में सारे फंगस होते हैं, ठीक है। प्लांटिक ये क्यूरेटिव होता है, इसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। किसमें, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि यूकेरियोटिक है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोस्टली जितनी सारी मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, अपना बॉडी ऑर्गेनाइज, बॉडी ऑर्गेनाइज, इसकी बॉडी जैसे टिश्यू या ऑर्गन डेवलप होता है। जैसे प्लांट्स होते हैं ना उसमें टिश्यू होता है, टिश्यू से कुछ प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, उसमें ब्राइट टाइट पड़े वो जनरल टिश्यू लेवल पर होता है। कुछ प्लांट होते हैं ऑर्गेन, उसमें जैसे थैलोफाइट है वो टिश्यू लेवल पर है, बट जो अगर ब्राइफाइट टेडोफाइट है मांगे तो वो क्या है, ऑर्गन लेवल पर, उसमें ऑर्गन यानी रूट अलग है, स्टेम बना है, लीव्स बनी है, तो ये ऑर्गन होगा ना उसके प्लांट कैसे बोल सकते हैं। उसमें वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम फ्लोएम है, वो सब, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने प्लांट होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ प्लांट वो सब उसको बोल सकते हैं कि जो दूसरे से प्लांट से पौधे प्राप्त, जैसे कुछ मोनोट्रोपा है अमरवेल जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरे प्लांट से डायरेक्ट फूड ग्रहण लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अपॉज पर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, कहाँ से, डायरेक्ट सनलाइट से फूड बनाते हैं। उसमें एनिमेलिया, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, ठीक है, जिसको यूकैरियोटिक बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे एनिमल है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। प्रजेंट इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइज इसकी टिश्यू होती है, ऑर्गन लेवल पे होता है, या फिर इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब अपने जैसे ह्यूमन है तो वो एनिमलिया में आते हैं, जैसे जितने एनिमल्स से सारे एनिमलिया में आते हैं, फिशेज वगैरह जितने भी है सब एनिमलिया, ठीक है। मतलब जो प्रोटिस्टा में एनिमल आ गए उसके अलावा जितने एनिमल बचे सारे एनिमलिया में, ठीक है। इसका जो हेटरोट्रॉफिक होता है फूड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या अपने क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं करते ना, तो अपने क्या करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या फिर किसी एनिमल्स को खाते हैं, तो अपना नेचर क्या हेटरोट्रॉफिक है। तो इसमें होलोजोइक है, ठीक है, एक होता है सेप्रोफाइटिक होता है, कुछ एनिमल सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे जो अपने वल्चर्स हैं, गिद बोलते हैं जैसे गिद, तो वो क्या है, वो सेप्रोफाइटिक मतलब क्योंकि वो डेड जो एनिमल्स होते हैं उसको खाते हैं, तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे, ठीक है। डेड एनिमल या प्लांट किसी को खा रहे वो सेप्रोफाइटिक ही माना जाता है, ठीक है। होलोजोइक मतलब सब कुछ खा लेते हैं, कुछ एनिमल भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, सब तरह का। ओके, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।